हेलो दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि यूपीपीएससी ने यूपीपीसीएस 2023 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए हैं और वो परीक्षा में क्या असर डालेंगे। तो 2022 तक यूपीपीसीएस के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के दो पेपर सम्मिलित थे, लेकिन आयोग द्वारा वर्ष 2023 की अधिसूचना में पाठ्यक्रम से वैकल्पिक विषय हटाकर सामान्य अध्ययन पेपर 5 और सामान्य अध्ययन पेपर 6 जोड़ा गया है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं कि इन नए पेपर में क्या क्या विषय सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे सामान्य अध्ययन 5 के प्रश्न पत्र पर। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। दूसरा है उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, लेखागार एवं पुरातत्व। तीसरा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान। चौथा है उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व। पांचवा है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, जिनमें सामाजिक संरचना, त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन शामिल हैं। छठा विषय है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था शासन प्रणाली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। सातवां विषय है उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र। आठवां विषय है उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग। नवा विषय है उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, इसमें शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। दसवां विषय है उत्तर प्रदेश सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार एवं समाधान योजना शामिल होंगे। ग्यारहवां विषय है उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। बारहवां विषय है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, जैसे कि उग्रवाद के प्रसार एवं विकास के बीच संबंध, बाह्य राज्य एवं अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, साइबर सुरक्षा के लिए बुनियादी नियम, काले धन को वैध बनाना एवं इसकी रोकथाम, विभिन्न सुरक्षा बल एवं एजेंसियों और उनके शासनादेश या फिर अधिकार पत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों का आतंकवाद से संबंध। तेरहवां विषय है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। चौदहवां विषय है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे। पंद्रहवां विषय है उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली। सोलहवां विषय है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। सत्रहवां विषय है उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। अठारहवां विषय है जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन। 19वां विषय है उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, जिनमें एनजीओस के समक्ष मुद्दों, योगदान एवं प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। 20वां है उत्तर प्रदेश में पर्यटन मुद्दे एवं संभावनाएं। अब देख लेते हैं समान अध्ययन प्रश्न पत्र 6 के बारे में। पहला है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, इसमें अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व शामिल है। दूसरा विषय है उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। तीसरा है उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास। चौथा विषय है उत्तर प्रदेश में निवेश, इसमें मुद्दे एवं प्रभावों के बारे में चर्चा की जाएगी। पांचवा है उत्तर प्रदेश की लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति। छठवां विषय है उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना एवं प्रबंधन। सातवां विषय है उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना। आठवां विषय है उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन। नौवां विषय है उत्तर प्रदेश की नवीन वानिकी नीति। दसवां विषय है उत्तर प्रदेश की कृषि एवं सामाजिक वानिकी। ग्यारहवां विषय है उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएँ एवं उनका समाधान। बारहवां विषय है उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक। तेरहवां विषय है उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति। चौदहवां विषय है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। पंद्रहवां विषय है उत्तर प्रदेश में परिवहन तंत्र। सोलहवां विषय है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन एवं अधोसंरचना। सत्रहवां विषय है उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं इनके कार्य।
18वां विषय है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा, जल, वायु, वन, घास मैदान, आर्द्रभूमि इत्यादि। 19वां विषय है उत्तर प्रदेश के जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे। इसी क्रम में 20वां विषय है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अधिवास पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य समायोजन जीव जंतु एवं वनस्पतियाँ। 21वां विषय है उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे प्रसार एवं प्रयत्न। 22वां विषय है उत्तर प्रदेश में मत्स्य अंगूर रेशम फूल बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव। और इसका आखिरी विषय है उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।